तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रेशर, और ये हमारा रिफ्रेश बैच है और ये थोड़ा सा फास्ट मोड में होगा कि जो चीज़ें आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा है उसी को मैं यहाँ पे रिव्यू करूँगा, ताकि जो चीज़ें आप भूल गए होंगे उसको आप रिफ्रेश कर लें। सबसे पहले हम बात किए थे आपके साथ कि व्हाई यूज द एक्सेल, एक्सेल का बेसिकली यूज क्या है, हमने पहली क्लास में आपको ये बताया था, उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा फास्ट मोड में लूंगा ताकि आपको रिवीजन रिवीजन लेक्चर है सर। हाँ रिवीजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम यूज क्या करेंगे, व्हाट यूज द ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि एक्सेल का यूज बेसिकली हम चार चीजों के लिए करते हैं। पहला होता है डेटा स्टोरेज, हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेटाबेस नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि सिक्योरिटी या डेटा सिक्योर इसमें नहीं होता है, ज़्यादा डेटा डालने पे हैंग हो सकता है, करप्ट हो सकता है, डेटा इजीली डिलीट की जा सकती है, इसमें पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड रिकवर नहीं होते, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो इसमें किस तरह का डेटा डालते हैं, इसमें हम डालते हैं मिसलेनियस डेटा, जो छोटे मोटे डेटा होते हैं, जैसे आप कंपनी में अपना अकाउंट में काम जो है सैप या फीको पे करते हैं, लेकिन अब पेटिकस का जो है जैसे फोटो स्टेट 2 रुपये किराया, 3 रुपये की चाय किसी को बुलाई, ऑफिस के काम से कहीं गए, उस सब का जो कैश आपको मिलता है या जो आप वाउचर देते हैं, उस सब का रिकॉर्ड कहीं होता है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ सेव होता है, वो रिकॉर्ड सेव होता है एक्सेल में। हम उसको टैली में नहीं डाल सकते या सैप पे नहीं डाल सकते, 2 रुपये के फोटो स्टेट का सैप पे तो डालेंगे, इसलिए हम डेटा को मिसलेनियस डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा एसएमई, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे लोग हैं जैसे जो 10-20 हज़ार डेटा ही इनके पास होता है और वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो है भी एक्सेल को यूज करते हैं एज ए डेटाबेस। दूसरा एनालिटिक्स डेटा, जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, बैकएंड में उसका डेटा होता है, तो इस तरह के डेटा को होल्ड करने के लिए हमें सीट एक्सेल सीट पर डेटा चाहिए होगा। दूसरा आता है इसमें कैलकुलेशन, मतलब कि आप एक्सेल में किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में एक्सेल सबसे अच्छा है, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं, साथ में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनका भी इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और एक होता है पावर, तो कुछ भी निकालना आपको आप इससे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको 10² निकालना है तो 10^2, एंटर मारिए रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डेटा एनालिसिस में होता है कि किसी भी तरह की एनालिसिस से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेटा में इजीली पिवट टेबल और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है वो है डेटा शेयरिंग, मतलब कि किसी को आपको किस तरह का डेटा भेजना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले किसको, एक्सेल को। हमारे पास पावर बीआई भी है, टैबलू भी है, लेकिन हम इसमें अपनी रिपोर्ट को नहीं भेजते। रीजन, अगर मैंने आपको पावर बीआई में आपको भेजा तो आपके पास भी वो चीज होना चाहिए, अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी उसके, क्योंकि वो इस रिपोर्ट को देख नहीं पाएगा। तो एक्सेल में यूज हम करते हैं डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा शेयरिंग के लिए। अब चलिए हम एक्सेल आर्किटेक्चर को समझते हैं क्या है। देखिए एक्सेल में एक फाइल होता है जिसको वर्कबुक कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये सारे फाइलें हैं वर्कबुक, हर फाइल में शीट्स होते हैं और शीट अपने हिसाब से जितना मर्जी उतना इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन नहीं है।
और हर सीट में रो होता है, कॉलन होता है, रो होता है, और जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो सेल कहलाता है, और कोई भी डेटा हम उसी में स्टोर करते हैं क्योंकि हर एक सेल का एड्रेस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी तरह का ग्राफिक्स, जैसे कि अगर आपने कोई सैप्स या कोई पिक्चर लिया, वो किसी सेल का प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे हमने ड्रैग किया, ये किसी सेल का डेटा नहीं, ये अलग है, सेल के ओवर है, इसलिए हम इसको लिंक नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम कोई लिंक करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा A1, A1 क्या हुआ, एड्रेस है, A1 प्लस 1, इसलिए एड्रेस चाहिए होता है। तो लेकिन कुछ वैल्यूज में डाल के उसको किसी सेल से लिंक कर सकते हैं क्या? क्या उस जैसे कि आपने टेक्स्ट बॉक्स इसमें डाल के इंसर्ट करके और उसमें कुछ लिखते हैं तो उसको किसी सेल के वैल्यू से लिंक कर सकते हैं क्या? कुछ सेल में कुछ लिखे तो टेक्स्ट बॉक्स में चेंज हो जाए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हालांकि कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम बोले कि डायरेक्ट कर सकते हैं तो नहीं, लेकिन कुछ तिग्रम लगा के कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कर सकते हम सेल को लिंक किए हुए हैं, लेकिन लिंक जैसा फील करेगा वो आगे क्लासेस में समझाऊंगा मैं। वो तो मैं बता देता हूँ आप लोग, पेस्ट स्पेशल में होता है ऐसा, लेकिन हाँ पेस्ट ऐसे पिक्चर लिंक बोलते हैं उसको। हाइपर लिंक के बारे में बात करूँ? नहीं हाइपर लिंक नहीं, पिक्चर लिंक मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ आप जितने समझा देता हूँ। जैसे स्टेशन में मान लीजिए कि आपने सैप्स ले लिया राइट, यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो A1 पे लिखा हुआ है वो यहाँ आना चाहिए राइट, यही चाहते हैं ना? यस सर। तो आप A1 को कॉपी कीजिए और क्या कीजिए, किसी जगह पर कर्सर रखिए और करिए एज ए पिक्चर लिंक, ठीक है, और इसको उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए। अब लाइनिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ ग्रिड लाइन है, इसलिए तो ग्रिड लाइन हटाने के लिए यहाँ पेज लेआउट में जाइए, ग्रिड लाइन हटा दीजिए। वो तो हो जाएगा, हो गया ना? तो अब यहाँ पे 1400 लिखता हूँ 1400 दिखेगा, बट क्या है कि ऐसा हमने फील करवाया है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हमने शैप्स में सेल को लिंक किया है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट है, अलग है। इसको सर इसके साथ ग्रुप कर सकते हैं क्या? हाँ ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप कर दीजिए इसको, सेलेक्ट कीजिए, फिर से बताएंगे, जरा समझ नहीं पाया मैं। ग्रुप करने पे तो हो जाएगा ना सर? सुजीत जी आप फिर से बताएंगे? मैं तो स्टार्टिंग से आप चेंज कीजिएगा तो होगा सर वहाँ पे? हाँ होगा सर, सब होता है, सब होता है। ग्रुप होने से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थोड़ी। ओके सर, ओके। देखिए विजीत जी आपको समझ में नहीं आया ना? हेलो विजीत जी आपको समझ में नहीं आया? वैसे मैं बताऊंगा, वैसे किसी को तैयार नहीं हो रहा था और संतोष गाड़ी में निकल भी गया। विजीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो नायर जी, हेलो सुरभि जी आपको समझ में आया? रामजी पांडे जी आपको आ गया? जी सर आ गया। सौभिक जी आपको भी समझ में आ गया? यस सर। अच्छा विजीत जी लग रहा है म्यूट कर दिया। नायर जी मेरी आवाज आपको आ रही है? आपने म्यूट कर रखा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर है, मैं चाहता हूँ हर नंबर में प्लस 20 करें। इसको सेलेक्ट किया, प्लस 20 किया, यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया 105। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो जैसा है बिल्कुल उसी तरह से नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग कीजिए या कॉपी पेस्ट कीजिए। नायर जी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। या बिल्कुल। कहाँ चले गए थे उस, कब से मैं बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल समझ में आया था? दूसरा कॉल चल रहा था, अभी खत्म हुआ वो।
ओके, ये समझ में आया आपको? नहीं, जो मैं लिंक बताया था? नहीं नहीं, ये समझ नहीं पाया, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहां से इंसर्ट करेंगे एक शेप्स को, बार बार लॉगिंग क्यों हुआ? थर्ड में आपने क्या किया? मैं दो मिनट दीजिए। देखिए, हमने हमने यहाँ इंसर्ट पे गए और एक सैप्स लिए, राइट? ठीक है। अब इनका सौभिक जी का क्वेश्चन था कि ये जो नंबर है 1365, हम किसी और सेल पे इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। लिंक से क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ चेंज किया तो उस जगह पे भी चेंज हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके ऊपर रखना कि शेप्स के ऊपर, तो ऐसा डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, होम पे गए, पेस्ट एज ए पिक्चर, यहाँ देखिए पेस्ट में पिक्चर लिंक होता है, लिंक पिक्चर। तो पिक्चर लिंक क्या होगा कि ये जो था उसी का पिक्चर यहाँ, लेकिन इससे लिंक है वो। अब इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ ला, हो गया सर। मैं यहाँ पे 1500 करूँ तो हो जाए। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर दीजिए, अब एक तरह एक ही जैसा फील होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 50-60 डालता हूँ, हो गया। ओके, आगे बढ़े विनीत जी। विजीत जी सॉरी, हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स है और हर नंबर्स में मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ। तो हमने इक्वल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया प्लस 20, और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है, हमने जो फॉर्मूला यहाँ ऊपर लगाया है A1 प्लस 20, लेकिन जब मैं कॉपी करके नीचे करूँगा तो आप देखेंगे कि ए आपका यहाँ देखेंगे आप कि A2 हो जाए। ऐसी जैसे आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो एड्रेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, माने कि अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज, नीचे की तरफ डिक्रीज, और नीचे की तरफ आते हैं तो इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी सेम हुआ। तो एक बेनिफिट है हमारा, बेनिफिट यह है कि अगर मान लीजिए कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो हर सेल में हमें इंडिविजुअल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और अगर 10-20,000 रो एंड कॉलम हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वर्क हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 रख दिया D1 पे, मैं यहाँ प्लस 40 करता हूँ। जैसे प्लस 40 मैंने किया, यहाँ पे देखिए आप A1 प्लस D1 आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो A1 जो है वो तो A2 हो जाएगा, बट D1 भी D2 हो गया। तो मैं चाहता हूँ जब नीचे ड्रैग करूँ तो जो A1 है वो A1 ही रहे, A2 A3 रहे, लेकिन D1 जो है D3 हो जाए, D2 D3 D4 इस तरह से इंक्रीज हो। तो इसको हम कॉन्स्टेंट करेंगे या इसको हम फ्रीज करेंगे, किससे? डॉलर साइन से। हमने डॉलर साइन से अप्लाई किया और एंटर प्रेस किया तो नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। अब देखिए यहाँ D1 फिक्स हुआ। तो हर एड्रेस, सेल एड्रेस में एक जो होता है नंबर और दूसरा होता है करेक्टर। तो करेक्टर कॉलन है और नंबर रो है। तो हमें टॉप टू बॉटम जो है ड्रैग करना था, इसलिए हमने सिर्फ नंबर को फ्रीज किया। लेकिन अगर आप यहाँ लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं तो आपका डी जो है ई बन जाएगा, यहाँ ई बन गया।
तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम डी के आगे का भी डॉलर रख देंगे। यहां पे और नीचे तरफ ड्रैग कर, देखिए फिक्स है। ये आगे चल के फॉर्मूले में आपको काफी ज्यादा मदद साबित करेगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है हेल्प। किसी भी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, तो बस इसके यहाँ पे कर्सर रखिए। जैसे कर्सर रखेंगे आपको इसके यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिख जाएगा। अभी शॉर्ट नोट्स से समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज टेल मी मोर पे क्लिक कीजिए। जैसे टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ हेल्प खुल के आ जाएगा, हेल्प खुल के आ गया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जनरली हमको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। सॉरी, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लेकिन गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन हम जैसे आप जैसे लोगों के आर्टिकल एंड वेबसाइट से आता है, वो 100% प्रूफ रीड नहीं हो सकता है। इसलिए कई बार आप इंटरनेट से कोई चीज लेके अप्लाई करते हो तो आपका परफॉर्म नहीं करता है, रिजल्ट गलत आता है। लेकिन एक्सेल हेल्प में दी गई सारी इंफॉर्मेशन 100% प्रूफ रीड है, तो कुछ भी ढूंढना हो यहाँ आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ढूंढना है, ऐसे मुझे शॉर्टकट ढूंढना है, तो F1 प्रेस कीजिए और हेल्प के अंदर यहाँ शॉर्टकट सर्च कीजिए, कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ आपको एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट का लिस्ट दिखेगा, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सारे शॉर्टकट्स आप इसको पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से यूज। ओके, आपको लिमिट्स के बारे में जानना है तो यहां लिमिट्स को सर्च कीजिए, यहां आपका एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट आ गए। यहां पे आपको बताएगा कि कितने रो है, कितने कॉलम हो सकते हैं, कितने कॉलम की विड्थ हो सकती है, कितने कॉलम की हाइट हो सकती है। तो इसको कैजुअली आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। बात करते हैं अपना टॉपिक में सिलेक्शन मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए भी कुछ डेटा चाहिए होगा। बात करते हैं इस डेटा की सिलेक्शन। अब सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक्सेल में कुछ भी करेंगे नीड टू सिलेक्शन। नीड टू सिलेक्शन कि बिना सिलेक्ट किए हुए ना पिवट लगा सकते हैं, ना चार्ट लगा सकते हैं, ना फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, हर चीज के लिए आपको सिलेक्शन जरूरी है। तो डेटा को सिलेक्ट कैसे करें, तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए अगर माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करते हुए नीचे आके सिलेक्ट करते हैं। एक शॉर्ट तरीका भी है, आप स्टार्ट को क्लिक कीजिए, शिफ्ट को प्रेस करके लास्ट में क्लिक कीजिए,
पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्टार्ट को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ लास्ट को सिलेक्ट कीजिए, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। या आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, हाँ स्टार्ट में क्लिक कीजिए, शिफ्ट को होल्ड रखिए और लास्ट में क्लिक कर, या लास्ट में क्लिक कीजिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, फर्स्ट में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। लेकिन ध्यान रखिएगा कंट्रोल ए दो बार मत कीजिएगा, अगर आपने दो बार कर लिया तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। और पूरी की पूरी शीट को माउस से सिलेक्ट करना है तो वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल होता है उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कर्सर मूव का। जैसे कि मुझे यहाँ पे हुआ, मुझे सबसे लास्ट में आना है, तो जनरली आप लोग इस तरह से आएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, सबसे लास्ट में आना है तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो यूज करें, लेफ्ट अप राइट इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी का होगा कि कर्सर आपका एक साथ मूव करेगा। अब मान लीजिए कि मुझे मल्टी सेलेक्ट करना है, मतलब कुछ कुछ एरिया सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जहां मर्जी वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कॉपी करने कर, अगर आपको कॉपी करना है तो सिक्वेंस लेके चलना होगा, जैसे कि हमने सी वन लिया, डी वन लिया, ए वन लिया, इसको कॉपी किया जा सकता। लेकिन आपने अगर सी ए फोर ले लिया तो आप कॉपी नहीं, तो आपको जो जो आपने वन रो में सेलेक्ट किया है वो भी आपको फोर रो में सेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके जहां रखेंगे वो सेम यहां पे आएगा, लेकिन यहां पे कंटिन्यूस आएगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसके दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की यूज कीजिए, राइट एरो डाउन एरो, आपका डेटा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, आपका डेटा सिलेक्ट हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा डेटा में अगर ब्लैंक सेल हुआ तो आपका डेटा वहीं पर जाके रुक जाए, ए या इसमें कॉलम। अब बात करते हैं मल्टीपल शीट्स की। आप एक साथ हमारे पास पांच शीटें हैं और मैंने मान लीजिए सीट वन पे कुछ लिखा या कुछ लिखा हुआ है पहले से, मुझे बाकी सब में सेम करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो एक एक कॉपी पेस्ट करेंगे उससे अच्छा है कि शिफ्ट के साथ आप पूरे सेल को सिलेक्ट, सीट को सिलेक्ट कर लो। तो देखिए ये पूरा सीट सिलेक्ट हो गया, ऊपर में ग्रुप आ जाएगा। अब मैं सीट टू में यहाँ पेस्ट किया, सॉरी ए टू, सीट टू के ए टू में, तो जितने भी सीट सिलेक्टेड है हर सीट के ए टू में आपका पेस्ट हो गया, राइट सर। शिफ्ट के साथ करना है या कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना? नहीं, शिफ्ट के साथ करना। देखिए कंट्रोल भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए अगर आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस किया, लास्ट में सिलेक्ट किया तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ सिलेक्टेड सीट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करते हैं जिससे कुछ सिलेक्टेड सीट सिलेक्ट पे ही वर्क होता है। और सर कंट्रोल किसके लिए यूज करते हैं? सारे के सारे सीट नहीं सिलेक्ट करना है तब। देखिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ कर्सर रखिए, शिफ्ट के साथ क्लिक करें तो जितना सेल है सारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जहां आप क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट होगा। सेम चीज यहां होता है, अगर आपने शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे क्लिक किया तो पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा, जितने भी सीट्स इसके बीच में है, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर, सीट फाइव, सारे। अब मैं कुछ भी करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा तो हर सीट के ए फाइव में टाइम आपको टाइप हो जाएगा। ओके, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कुछ सिलेक्टेड सीट होगा, जिसको जिस पे आप क्लिक करेंगे वही सीट सिलेक्शन में आएगी, उसी पे आपका परफॉर्मेंस होगा। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा फिल, और फिल में पढ़ाऊंगा अक्रॉस वर्कशीट। तो आगे बढ़े, तो सिलेक्शन के बाद हम चलिए मेनू बार की तरफ बढ़ते हैं। मेनू बार में बात करते हैं फाइल मेनू बार, तो
तो फाइल मेनू बार में जब हम आते हैं तो हमारे पास होम आता है सबसे पहले, अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो। यहाँ होम में आप देखेंगे कि ब्लैंक वर्कबुक है, इसके अलावा यूज की गई टैम्पलेट है। टैम्पलेट क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद जो रिसेंटली आपने फाइल ओपन किया है उसका यहाँ पे, तो यहाँ पे आप तीन चीज़ें दिख रहा है, रिसेंट पिन एंड शेयर विथ मी। पिन क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड की मैं बात करता हूँ, ये लिस्ट में ऊपर दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं कोई फाइल खोलूँगा नीचे आ जाएगा, और फाइल खोलूँगा नीचे नीचे, अगर मैं 10-15 फाइल खोल लिया तो इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। देखिए मुझे बार बार ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके पिन कर दूँगा। तो पिन करते ही क्या होगा कि पिन वाले सेक्शन में चला जाएगा और लिस्ट से हटेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। तो आप जो रिसेंटली जो आपकी फाइल होती है 10-15 फाइल जो रिसेंटली आप ओपन करते रहते हैं मोस्टली टाइम, उसका पिन कर दें तो आपकी उसकी लोकेशन में जाके ओपन करने की जरूरत नहीं। हालांकि इसको ओपन करने के लिए हम ओपन पे क्लिक करके उसके हम लोकेशन में जा सकते हैं। अब हम न्यू पे आते हैं, न्यू में जब आइएगा तो न्यू में आपको यहाँ दिखता है ब्लैंक वर्कबुक, इसके अलावा यहाँ दिखता है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है, बना बनाया फॉर्मेट होता है। मान लीजिए विजित जी आपको किसी ने बोला कि एक इनवाइट एक वर्क ऑर्डर दे दो मुझे, आपने एक वेंडर के साथ कुछ डील किया, वेंडर ने बोला कि ठीक है सर मैं आपका काम कर दूंगा, मुझे वर्क ऑर्डर पास करवा दो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप एडमिन में काम नहीं करते हो, आपके टीम में एडमिन भी नहीं है, अब आपको वर्क ऑर्डर बॉस साइन जो कंसर्न पर्सन है उससे साइन करवाना है, तो वर्क ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालनी है, उससे पहले वर्क ऑर्डर बनाना है, उससे पहले आपको जानना है कि वर्क ऑर्डर बनता कैसे है, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या फॉर्मेटिंग होती है, नो आइडिया, क्योंकि इससे पहले आप कभी बनाया ही नहीं। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा यहाँ सर्च में आइए और यहाँ पे आप वर्क या वर्क ऑर्डर या ऑर्डर सर्च कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखे, अब यहाँ पे देखिए वर्क ऑर्डर का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। एक बार मैं वर्क ऑर्डर पूरा लिख ही देता हूँ। यहाँ क्या नहीं, ये तो वर्क ऑर्डर का ट्रैकर है। इसमें नहीं है क्या, मैंने रिमूव कर दिया क्या इसमें, इसमें नहीं है लेकिन आता है। जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रैकर वगैरह बनाना है तो इजीली से आप यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे इसमें आपको क्रिएट करना है और बना बनाया फॉर्मेट आ जाएगा, अपना चेंज कर देना है बस, सिंपल सा, इसमें कुछ खास नहीं करना है। तो फाइल मेनू बार में हम न्यू में जाके टेम्पलेट इस्तेमाल, और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन चलती है। अब ओपन में आइए तो ओपन में कोई खास नहीं है, बस यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ फाइल है, इसमें कुछ ज़्यादा ही लिस्ट होता है, इसमें पिन किया हुआ सबसे ऊपर आएगा, इस तरह से फोल्डर है आपके जो रिसेंटली यूज फोल्डर है, और फोल्डर को भी आप पिन कर सकते हैं ताकि ऊपर रहे, जो मोस्टली फोल्डर आप से फाइल को ओपन करते हैं। इन्फो में आपको फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप प्रॉपर्टी वगैरह फाइल का सेट कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा आप देखेंगे अब ये फाइल में इस फाइल के अंदर क्या है या इस फाइल के अंदर क्या है नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें देखिए कर्सर रखते टाइटल है MSG डेटा लिंक, यहाँ पे कर्सर देखिए,
यहाँ पे दिख रहा है एक्सल एम आई एस ऐप डाउनलोडर लिस्ट, मतलब कि नाम से पता नहीं चल नहीं समझ पाया तो इसके सब्जेक्ट से पता कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट डला कैसे, तो फाइल पे कर्सर रखिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाइए और इसके डिटेल्स में जाके आप फाइल को डाल सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि आपके पास कभी ऐसा काम हो सकता है, ऐसी फाइल आप बनाते हैं जिसको इन फ्यूचर में आप यूज कर सकें, लेकिन क्या है कि इन फ्यूचर में फाइल का नाम अगर भूल गए तो आपको एक एक फाइल आपको गेस करना होगा, साथ में ओपन करके डेटा देखना होगा, क्योंकि जनरली कुछ फाइलों का नाम हम लोग बुक वन डेटा वन ऐसे सेव कर देते हैं। इसलिए अब फाइल इन्फो के बाद आप आइए सेव, जनरली फाइल को सेव करते सेव सेव एज सेव एज में कोई खास नहीं है, प्रिंट भी नॉर्मल है बताने की जरूरत नहीं है, शेयर आप वन ड्राइव में इसको इजीली शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश अगर आपने पावर बीआई से कनेक्ट कर रखा है तो डायरेक्ट पावर बीआई पे इस रिपोर्ट अपने डेटा को पब्लिश कर सकते हैं, क्लोज क्लोज होता है। अकाउंट में आप अपनी अकाउंटिंग रख सकते हैं, फीडबैक है। ऑप्शन, ऑप्शन में आप आते हैं तो ऑप्शन में क्या आता है, सेटिंग होता है एक्सेल की सेटिंग, तो चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरल में आपने अनेबल लाइव प्रीव्यू कर दिया तो जब भी कुछ अप्लाई करेंगे उसका प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। ऐसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की जो फॉन्ट है उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का सेटिंग क्या हो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑथर नेम, आप जो फाइल किसी को भेजिए तो उसका वो चेक करेगा ऑथर, तो उसको आईपीटी एक्सेल या फिर जो भी नाम है वो दिखेगा, या माउस पॉइंटर ही रखेगा, जैसे कि मैंने इस पर माउस पॉइंटर लगाया जहाँ पर दिखा ऑथर आईपीटी एक्सेल, इसको इससे पता चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑथर नेम जो आपका कंपनी का लॉगिन आईडी हो जाता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला में भी कोई खास नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे R1C। ऑथर वाला एक बार फिर से बताएंगे सर, कंपनी की आईडी, ऑथर वाला ये सिंपल नाम चेंज करना होता है, क्या करना है। किसी भी फाइल पे कर्सर रखेंगे तो ऑथर नेम आता है ना, तो ये सेव करते समय आपका जो ऑथर होगा सेटिंग में वो नेम लेता है, और यहाँ पे जो है यूजर वन वगैरह होता है, यूजर टू एडमिन इस तरह का होता है, तो अपने हिसाब से। कौन से ऑप्शन से चेंज होगा सर जी, कौन से ऑप्शन में जाके चेंज करना पड़ेगा ये सर? एक्सेल से, एक्सेल ऑप्शन में हमें भी क्या खोल रखा है? नहीं नहीं सर, ये आपने क्लिक कहाँ पर करा एक्सेल ऑप्शंस खोलने के लिए, वो यहाँ फाइल, फाइल मेनू बार में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ऑप्शन दिखा आपको ये वाला ऑप्शन। ओके ध्यान रखिए सर, ठीक है सर, ओके सर, इसमें फिर हम ऑथर का नेम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, जनरल में ऑथर नेम दे सकते हैं। ओके आगे बढ़े। यस सर, फॉर्मूला बार में अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो ABCD है 1 2 3 हो जाता है, ठीक है, इसको आपस में चेंज करता हूँ। उसके बाद सेव, अब देखिए जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो डिफॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पे आप, मेरा तो एक्सेस मैक पर नेबल आता है, आपका एक्सेस एक्स आएगा, लेकिन क्या होता है कि मैं बराबर जो फाइल बनाता हूँ वो माइक्रो फाइल बनती है, अगर मैंने माइक्रो फाइल को एक्सेल वर्कबुक में गलती से सेव कर दिया तो सारे के सारे उसके अंदर डाली गई प्रोग्रामिंग जो है डिलीट हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरा फिक्स हो माइक्रो एनेबल वर्क, और जो लोकेशन है मेरा डॉक्यूमेंट फिक्स हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ डी ड्राइव सी ड्राइव ऐसे फिक्स हो, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट में अपना फाइल सेव नहीं करता, या डेस्कटॉप फिक्स हो जाए। डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो लोकेशन, तो सेम एक्सेल ऑप्शन में आइए, सेव पे आइए, और यहाँ से अपना फाइल का डिफॉल्ट टाइप और यहाँ अपना डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ आप लैंग्वेज कोई खास नहीं है, एडवांस में छोटे छोटे चेंजिंग हैं, जैसे कि एंटर मारने पे डाउन होता है तो डाउन की जगह लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं, आप कर्सर लेके ड्रैग करते हैं ना, आप चाहते हैं ड्रैग डिसेबल हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, ऑटोमेटिक इंसर्ट डेसिमल प्लेसेस, इस पर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो अब एक्सेल में 500 टाइप करूँगा तो 5 टाइप होगा, जो भी नंबर टाइप करोगे वो 100 से डिवाइड हो जाएगा।
उसी तरह से छोटे मोटे चेंजिंग है इसमें, जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ये चेक्ड है तो दिखेगा, अनचेक तो नहीं दिखेगा। शीट टैब, शीट के जो नेम है दिखेंगे, अगर अनचेक कर दिया तो नहीं दिखेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन इसमें जो कस्टम लिस्ट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या है कस्टम लिस्ट, हम आपको बताते हैं। आप किसी भी एक्सेल फाइल में आते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, लिखता हूँ जैन, और जैन को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जैन फेब मार्च आ जाता है। इस तरह से संडे लिखूंगा तो संडे मंडे आ जाता है। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नाम लिखूँ पूजा, ड्रैग करूँ तो यहाँ पे पूजा, नीरज, कविता, मोहन, उदय इस तरह से आएगा, बट आपके सिस्टम में नहीं आएगा। मैंने इसको ऐड कर रखा है कहाँ, फाइल के अंदर में ऑप्शन एडवांस, और लास्ट में मैं जाऊंगा यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट, न्यू लिस्ट पे गया और यहाँ पे आप अपनी आईडी बना लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, और फिर ऐड कर दें, ऐड हो जाएगा। न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है और अपनी जो भी टाइप करना है इस तरह से टाइप करके ऐड कर दें। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं अगर पुणे लिखता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आपका पुणे वगैरह। अच्छा, जूम जो है एक मिनट के अंदर में वो बंद हो जाएगा, आप फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा आप लोग रीज्वाइन कीजिए प्लीज सेम नंबर से। चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करना होगा। सर आप मेरे फोन से ज्वाइन किया तो आप भेज दीजिएगा मुझे रिकॉर्डिंग, ठीक। बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया आपको। हेलो, यस सर, आपको समझ में आया नायर जी? सर क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम फाइल मेनू बार की। फाइल मेनू बार हमारा हो चुका है, अब बात करेंगे होम। होम में हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड, मतलब कि कॉपी पेस्ट के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें बनाना होगा, डेटा बनाना होगा। छोटा सा डेटा मैंने बनाया,
फॉर्मूले भी डाल दिए। मान इसको मैं फॉर्मेट भी कर, मैंने यहां से बॉर्डर दिया और कलर भी कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करूंगा, जैसे यहां पे मैं पेस्ट करता हूं तो जैसा है सेम वैसा ही पेस्ट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका कुछ पार्ट पेस्ट हो, तो आप यहीं से पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ होता है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला ले सकते हैं। तो फॉर्मूले में क्या होगा कि बाकी जो आपको दिख रहे हैं ना, बाकी जो आपके ये दिख रहे हैं फॉर्मेटिंग है, कलर है, वो सब यहाँ से रिमूव हो जाता है, सिर्फ फॉर्मूला दिखता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ नीरज या पूजा में फॉर्मूला तो है ही नहीं, क्यों आया? फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे वो डेटा हो या नंबर हो या फॉर्मूला हो, फॉर्मूला बार कॉपी करके पेस्ट करता है। लेकिन मुझे फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला को रिमूव कर देता है। ओके लेकिन तो अलग जगह पे किया मैं, चाहता हूं बोलिए सर। सर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन था जिसके बेसिस पे ये फॉर्मूला आया है, सो लेट्स से एक अगर हम अलग से टेबल बनाएं और ये जितना ऊपर का है मतलब लेफ्ट और राइट वालों को हम मल्टीप्लाई कर दे इस वाले सेल से, तो जब दोबारा उसके बाद उस रिजल्ट को पेस्ट स्पेशल करके करेंगे फॉर्मूलाज लेगा तो वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे या वो वैल्यूज के साथ मतलब उस वैल्यूज के साथ फॉर्मूला कॉपी करेगा उस सेल टाइप के साथ? नहीं, आपने वैल्यू कर दिया तो वैल्यू कॉपी पेस्ट करेगा ना। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इसमें क्या किया है। नहीं सर, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर। आपने इसके सर आपको समझ नहीं किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट फॉर्मूला किया, तो पेस्ट फॉर्मूला करने से क्या होता है कि यहाँ पे आपका एड्रेस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ देख रहे हैं K1 आ गया, देखिए दिख रहा है सर। तो जितना कॉलम आप लेके जाएंगे उतना एड्रेस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, अगर डॉलर साइन ना लगा है तो। डॉलर साइन लगा रखा सर, मान लीजिए तो फिक्स हो जाएगा। आप क्या बोल रहे सर? मान लीजिए जो कॉलम डी और ई है अभी, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, मान लीजिए जो कॉलम डी और ई है, मान लीजिए आपने क्या बोला सर, दोबारा बोलेंगे या नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ सर, सर कॉलम डी जो है, कॉलम डी पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं कॉलम बी इनटू कॉलम सी। मैं यहाँ पे कॉलम डी नहीं, कॉलम ई में लगेगा ना सर, और कॉलम ई में कॉलम सी इनटू कॉलम डी, ठीक है? इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पहली बात तो कॉलम डी में बी और सी को कर सकते हैं, ठीक है ना, डी नहीं आएगा, और कॉलम ई के अंदर में सी और डी हो सकते, ठीक है सर। चलिए कर दिया मैंने, अब क्या करते हैं? अब सी को कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, कॉपी करे इस टेबल को, कॉपी किया
पूरे को सर, नेम से कॉपी करें अगर हम। हाँ। कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं? यहाँ पे। हाँ, इसको यहाँ कहीं नीचे पेस्ट कर दीजिए, स्पेस स्पेशल। जस्ट स्पेशल फॉर्मूला पे। आपने फ्रीज नहीं किया तो जैसा वैसा आएगा, क्या दिक्कत है आपको? क्या क्वेश्चन है? ये भाई फिर सेम फॉर्मूला चलेगा ना, वो मेरा ये डर था कि नीचे वाले b into c तो नहीं लेगा ये। जाहिर सी बात है सर, अगर आपने इसको फ्रीज नहीं किया है तो सेम रहेगा, क्योंकि अपने आप इंक्रीज कर लेगा या डिक्रीज कर लेगा। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब इसमें आप फॉर्मूला में को फ्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये एन वन को ले रहा है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि फॉर्मूला रिमूव करने की, मतलब कि ये जो फॉर्मूलेज है मैं चाहता हूँ इसको रिमूव कर, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर। कॉपी करके कहीं और पेस्ट करेंगे तो वहाँ भी फॉर्मूला रिमूव होकर पेस्ट होगा, और सेम डेटा में आप फॉर्मूला रिमूव करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं ऑफिस की डेटा में। एग्जाम्पल के लिए मैं एक डैशबोर्ड खोलता हूं, डेटा है, अब डेटा ये जो रिपोर्ट है मेरा इस डेटा से लिंक है। अब मुझे अगर किसी को भेजना है, जैसे मुझे आपको भेजना है, मैं डेटा नहीं भेज सकता, दो रीजन है, मेरा डेटा काफी बड़ा है या सिक्योर है, मुझे जस्ट आपको रिपोर्ट भेजनी है। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया सीट के ऊपर, मूव एंड कॉपी किया, क्रिएट कॉपी, और यहां से हमने न्यू वर्कबुक ले लिया। जैसे ओके किया आप देखेंगे कि एक नई फाइल में पूरा का पूरा डेटा आ गया, लेकिन अब भी वो फॉर्मूला लिंक है मेरे सिस्टम पे, आपको रिपोर्ट दिख रही है, लेकिन जैसे आपके सिस्टम पे हम भेजेंगे तो आपके सिस्टम पे सही से परफॉर्म नहीं करेगा। रीजन की वो फाइल खोजेगा और उसको उस लोकेशन में फाइल मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूले रिमूव कर दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूला बहुत सारी जगहों पे लिखा है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ रखा है, बीच में फॉर्मेटिंग वगैरह है हमारा, यहाँ चार्ट्स हैं, तो कैसे करें? तो सबसे पहले इसका रो एंड कॉलम का हेडिंग लाना पड़ेगा, जो कि पेज लेआउट से हेडिंग्स आएंगे, और वन और ए के बीच में ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू करूंगा। अब देखिए सारे फॉर्मेटिंग गायब हो गए, सॉरी सारे फॉर्मूले गायब हो गए, फॉर्मेटिंग रिपोर्ट जैसा वैसा रहा, थोड़ा भी हिला नहीं। Okay. इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे फॉर्मेटिंग है, आप इसको कॉपी कर पेस्ट स्पेस है, इसमें फॉर्मेट है, इसकी फॉर्मेटिंग से स्पेस कमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ डालते हैं, जैसे इंसर्ट कमेंट हमने कर दिया, कुछ डाल दीजिए कि दिस इज डमी डेटा। क्या होगा कि जब इसको कर्सर रखेगा तो दिखेगा दिस इज डमी डेटा। मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा फॉर्मूले पर नहीं चाहिए, जैसे इसका कमेंट मुझे रखना है। यहाँ राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल,
यहाँ पे कमेंट एंड नोट्स, कमेंट दिख गया, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें बॉर्डर पेस्ट नहीं करना होता है, हमें कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, हम यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर पेस्ट नहीं होता। दूसरा इसमें कभी भी हमें क्या होता है कि हम जब इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पेस्ट करें, तो कॉलम की विड्थ नहीं आती है। हम लोग डबल क्लिक करके इसको क्या करते हैं, कॉलम को रिसाइज कर देते हैं ताकि अपने हिसाब से दिखे। लेकिन जब इसको जब कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं तो कॉलम की साइज नहीं बढ़ती करती है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ कीजिए और यहाँ देखिए आपके सामने दिख रहा है। कॉलम विड्थ पेस्ट हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल करते हैं उसमें आप कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट कॉलम विड्थ आएगा, डेटा नहीं है। डेटा के लिए आपको वापस नॉर्मल पेस्ट करना होगा। या दूसरा तरीका है, जब राइट क्लिक करते हैं जो आइकन्स आते हैं ना, आइकन्स में ये आइकन है आपका कीप सोर्स कॉलम, इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोनों आ जाएगा। उसके बाद डेटा में क्या होता है कि डेट्स होते हैं। अब मैं डेट्स को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, इसको भी फिल्टर लगा देता हूं, इसको फॉर्मेटिंग लगा देता हूं। जब मैं इसको कॉपी करके कहीं भी राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू या फॉर्मूला करते हैं तो नंबर आ जाता है। तो पहले चीज को समझना है कि आखिर नंबर है क्या। तो नंबर है कितने नंबर ऑफ डेज है एक जनवरी तक। सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने आज का डेट डाला तो आपको डेट शो किया, लेकिन जब इस पे जनरल फॉर्मेट कर देंगे तो नंबर शो करेगा 44324। मतलब जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से अभी आज तक 44324 दिन हुए हैं। ये दिन के रूप में अपने आप को कवर कैरियर करता है। साबित कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ल्ड में पहला दिन रखा और इस पहले दिन के ऊपर अगर मैंने डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया तो 1st January 1900 दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे 32 कर दिया तो मंथ चेंज हो गया, 367 कर दिया तो ईयर चेंज हो गया, एज ए 44197 करूंगा तो 1 January 2021 आ जाएगा। अब ऐसा प्रोग्रामर ने क्यों किया, रीजन क्या है। अब इसमें रीजन ये है कि किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट है तो उसमें आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो हम कर रहे हैं। इसमें प्लस 20 कर दिए थे, 20 दिन बाद का डेट दिखा दिया आपको। तो एक्चुअली 1 जनवरी में ऐड नहीं हुआ और रिजल्ट 21 जनवरी नहीं दिखाया, ये ऐड किया 44197 और रिजल्ट आया 44217। किया गया। लेकिन जब पेस्ट करते समय आप चाहते हैं कि बाकी फॉर्मेटिंग ना आए बट डेट का फॉर्मेटिंग आए तो आप इसको क्या करें, इसको कॉपी करें, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें आप कर दें फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो इस्तेमाल दे रहे विदाउट आप लोगों को। नायर जी को डाउट, नो सर, सर इसको अगर हम एक साथ टेबल के साथ करते तो फिर अलग से वो डेट्स के लिए सिलेक्ट करना पड़ता। नहीं, आप जो कॉपी करें राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, हाँ, पेस्ट मतलब, हाँ, इसके साथ भी वैल्यू नंबर तो एक कर दीजिए।
ओके नायर जी, विजित नायर जी, कोई डाउट है आपको? बोले सुरभि जी क्या बोल रहे हैं? ये आपने कमेंट वाला कैसे किया एक बार बताएंगे क्या? जी पेज लगने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग। क्या समझ नहीं पा रहे हैं आप? मुझे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीट करने में दिक्कत नहीं है। सुरभि जी आपने क्या बोला? हेलो सुरभि जी आपने क्या बोला था? हेलो, मैंने बोला आपको जो आपने वो कमेंट वाला बताया था। हाँ, कमेंट वाला जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कभी जो डेट है इस पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, जैसे स्टार लगा होता है ना बाकी प्राइजेस में, राइट क्लिक करके यहाँ न्यू कमेंट आएगा उस पे क्लिक कीजिए, अपनी जो कमेंट डालना है डाल दीजिए, जैसे दिस इज स्टार डेट, अब इसको यहाँ से कर दीजिए, एंटर मार दीजिए तो ये आ गया। अब क्या होगा कि जब भी कोई इस पे माउस पॉइंटर ले जाएगा तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, कर्सर ले जाने पे नहीं दिखेगा, ऐसे नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह का एक लगा रहेगा जिससे पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ है, जैसे स्टार टाइप का, तो माउस पॉइंटर ले जाएगा तो दिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे सेम कमेंट जो है मान लीजिए यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है या इसकी जो फॉर्मूले है नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल इसमें होता है, यहां पे कमेंट्स, कमेंट्स एंड नोट्स, जस्ट कमेंट्स पेस्ट होगा, बाकी डेटा पेस्ट नहीं होगा, बाकी चीजें पेस्ट नहीं होगी। ओके, समझ गए आप लोग? ओके सर। तो जैसे कि